नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही सरपंच पद के दावेदारों ने एक दूसरे प्रत्याशी को ताल ठोककर मैदान में आम मतदाताओं से अपनी बात सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। उसी क्रम में मुरैना जिले की मुरैना जनपद के अंतर्गत जयनगर चौक खुंटी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए श्रीमती पूनम देवी भारत सिंह मावई ने अपना संकल्प पत्र जारी कर मतदाताओं से विकास का वादा किया है। श्रीमती पूनम मावई है, ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भारत सिंह मावई है। आप कोई जनता भरोसा करेगी जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता में कौन कौन से काम होंगे? सबसे पहला मेरा काम है 40,000 स्क्वायर फुट में मांगलिक भवन बनवाना। उससे क्या है कि गांव के जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं उनकी शादी उसमें कराएंगे। और दूसरी प्राथमिकता है सबसे पूरे गांव में अभी सुचारू भाव से टॉयलेट नहीं है, पूरे गांव में टॉयलेट बनवाना। और तीसरी प्राथमिकता है हमारी कि पूरे गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। चौथी प्राथमिकता कुछ गलियां कच्ची और पक्की, कुछ पक्की हैं कुछ कच्ची हैं, सारी गलियां पक्की कराई जाए, सारी खरंजा सीसी खरंजा पक्के कराए जाए। और चौथी प्राथमिकता हमारी सबसे ज़्यादा ये रहेगी कि हम कैसे गांव को ग्रीन जयनगर बनाएं, तो हर 10-10 मीटर पर पेड़ लगाएं। और पांचवी प्राथमिकता हमारी ये है कि हम अपने गाँव के लिए साइडों से नालियाँ निकालेंगे जैसे कि पानी का भराव ना हो। और शिक्षा का पूरा प्रयास ऐसा किया जाएगा कि हर बच्ची शिक्षित हो। और अपनी छठवीं प्राथमिकता ये रहेगी कि अपन गांव के लिए एक सिस्टम बनाया है, जिन गरीब भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं है तो उनके लिए हम ट्रैक्टर अपनी पंचायत की तरफ से ट्रैक्टरों की व्यवस्था कराएंगे और उनकी खेती के लिए ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। उसमें डीएल किसान भाइयों का रहेगा, ट्रैक्टर पंचायत की तरफ से रहेगा जिससे उनका जो खेती का जो फायदा है उनको पूरा मिल सके। और सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर रहेगा। हमारे गांव में क्या है कि शिक्षा का थोड़ा गांव में कम अभाव है, बच्चे कम शिक्षित हैं, तो हम सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देंगे। और अपनी लास्ट प्राथमिकता है हमारे कुछ गरीब भाइयों के अभी पक्के मकान नहीं है, तो हम उनको पूरी ताकत यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक लड़ेंगे और उनको आवास दिलाएंगे। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि जनता मेरी बात को सुने और मुझे पूर्ण बहुमत से ग्राम पंचायत जयनगर का सरपंच बनाने का पूरा प्रयास करें।